हेलो एवरी वन वेलकम टू इंग्लिश विद एवलिन और आज हम बात करने वाले हैं स्पीकिंग इन इंग्लिश या स्पोकन इंग्लिश की ठीक है ये मेरा पेट टॉपिक है और मुझे स्पोकन uh, इंग्लिश पढ़ाने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि लिटरेचर पोम ग्रामर वोकेबलरी ये सब पढ़ाने में तो मज़ा आता ही है लेकिन ये सब जब हम पढ़ाते हैं तो हमको रिवॉर्ड मिलता है इन द फॉर्म ऑफ द मार्क्स लेकिन जब आप किसी को स्पोकन इंग्लिश पढ़ाते हो ना तो वो बहुत ज़्यादा इन सब से कहीं ज़्यादा रिवॉर्डिंग होता है क्योंकि उसमें यू आर यू नो हेल्पिंग अ स्टूडेंट और अ लर्नर

और ये बात मैं कर रही हूँ आई एम आई एम टॉकिंग अबाउट यू नो अबाउट टू डेकेड्स गो तब तो और भी कोई हेल्प नहीं थी कहीं से इंटरनेट से कहीं से भी कैसे आप किसी को लैंग्वेज सिखाओ बट स्टिल आई ट्राइड एंड यू नो दैट वॉज सक्सेसफुल तो मुझे उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ ये चीज़ तो अच्छी है और इसमें जो आ, जो स्कोप है वो भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि बहुत लोग इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं न सिर्फ वो लोग जो कि हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं लेकिन या वर्नाकुलर मीडियम से लेकिन इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए स्टूडेंट्स या लोग भी चाहते हैं कि वो इंग्लिश बोलना सीखें क्योंकि इंग्लिश में सबसे मुश्किल चीज़ जो आती है वो होती है स्पोकन इंग्लिश क्यों क्योंकि आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करना पड़ता है आपको सोचना बोलना सब एक साथ करना होता है तो ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ दिस

हम कॉन्शियसली एक लैंग्वेज सीखते हैं एक्टिवली एक लैंग्वेज सीखते हैं और ये जो है ना लैंग्वेज एक्विजिशन ये होता है जब हम एनवायरनमेंट से इनपुट्स लेते हैं और लैंग्वेज सीखते चलते हैं ठीक है इसमें एक फिक्स टाइम नहीं होता है लेकिन हाँ ये नीड्स के हिसाब से डिज़ाइनड हो सकते हैं कोर्सेज ठीक है और ये जो है ना ये वो है जो कि एक बच्चा सीखता है ठीक थ्रू द यू नो एज एज दे ग्रो ओके फ्राम द एन्वायरमेंट अब लैंग्वेज लिसनिंग लैंग्वेज स्पीकिंग से मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ याद आती है आई वांस हर्ड माई फादर टेलिंग सम वन सम बट यू वॉज सेंग कि आपके बच्चे तो अच्छी इंग्लिश बोलते हमारा बेटा तो इतना बड़ा हो गया है इतने सालों से इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है लेकिन बोलता नहीं है इंग्लिश में मई फादर वॉज गिविंग एन एडवाइस टू दैट बॉय कि तुम ऐसे बोलो बस फ्रीली बोलने लग जाओ है ना वो बच्चा बोला होगा कि भाई मुझे हेजिटेशन होता है पापा ने बोला ऐसे बोलो कि ऐसा लगे कि सामने वाले को तो ना मुझसे कमी आती मुझे ही ज़्यादा आती है ठीक है और इसी के साथ में एक बार आ, बहुत बाद की बात है आई वॉज़ थिंकिंग ऑफ लर्निंग टू ड्राइव राइडर स्कूटर और ड्राइव समथिंग लाइक दैट एंड माई फादर सेट गाड़ी चलाते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखो ऐसे सोच के चलो कि सामने वाले को चलानी नहीं आती है तो आपको इस तरह से चलानी है कि आप एक्सपर्ट हो सामने वाला है ना उसको नहीं आती है तो so, ये दो बड़ी ऑपोजिट चीज़ें हैं लेकिन मैंने रियल लाइफ में ये देखा है कि लोगों लोग हैं ना इसको उल्टा ही यूज़ करते हैं गाड़ी ऐसे चलाते हैं कि सामने वाले को भी वो वो संभाल लेगा ठीक है और इंग्लिश बोलने में ब्रेक लग जाते हैं मतलब इंग्लिश बोलने में सोचते पता नहीं ये क्या सोचेगा ये क्या सोचेगा इंग्लिश जबकि इंग्लिश गलत बोल देंगे या आ, आ, कुछ गड़बड़ हो जाएगी तो क्या होगा मतलब एटलीस्ट लर्निंग स्टेजेस में जब आप एज अ लर्नर बोल रहे हैं तब क्या ऐसा प्रॉब्लम हो जाएगा हाँ तो ये जो मेंटल ब्लॉक है ये सबसे पहले हमको हमारे दिमाग से निकालना है कि कोई क्या सोचेगा कोई क्या सोचेगा ऐसे कुछ भी नहीं है है ना लैंग्वेज uh, का प्राइमरी जो पर्पज़ uh, होता है वो ये होता है कि लैंग्वेज uh, से हम अपने आइडियाज़ को कन्वे करें और उसमें हमारा आइडियाज़ कन्वे हो जाते हैं अगर सेवेंटी फाइव परसेंट करेक्ट भी बोल दिया है हमने तो इट्स वेल एंड गुड मतलब वाई डू वी हैव टू लर्न वेट टिल वी लर्न बहुत अच्छा पता कैसे चलेगा कि हमको बहुत अच्छा आ गया है और अब हम बोल सकते हैं मतलब ये मुझे बहुत मैं पूछती हूँ अपने स्टूडेंट से जो आते हैं कि जब अच्छा बोलना सीख लो तो मैं पता कैसे चलेगा अच्छा बोलना सीख लिया है तो और एक और चीज़ भी है जो मैं ड्राइविंग और लैंग्वेज लर्निंग के साथ में एक कनेक्शन जो मैं हमेशा मुझे याद आता है वो ये कि जैसे आप ड्राइविंग सीखने जा रहे हो तो यू विल गो फॉर वन आवर इन द मॉर्निंग है ना फॉर फिफ्टीन डेज ट्वेंटी डेज थर्टी डेज वट एवर इट इज़ एंड देन यू फोगेट अबाउट इट एंड देन अगेन यू गो एंड नो ग्रेजुअली यू पिक द स्किल स्पोकन इंग्लिश जब आप सीखते हैं कोई भी लैंग्वेज आप बोलना सीखते हैं तो उसमें ऐसा नहीं होता है आपको ना अपने आप को बम्बार्ड करना होता है विद इनपुट्स ऑफ दैट लैंग्वेज जैसे कि एक बच्चा सीखता है है ना बच्चा कैसे सीखता है लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग छोटा बच्चा जब अपनी मदर टंग सीख रहा होता है वो ऐसे सीखता है अपने एनवायरनमेंट से पहले वो सोच रहा होता है जैसे हमारा दिमाग जो है ना हमारा ब्रेन ये एक बड़ी ही सोफेस्टिकेटेड मशीन है है ना इसको ये कोई भी इनपुट को खाली नहीं जाने देता है ठीक है तो जब बच्चा एक ही एनवायरमेंट में और एक लैंग्वेज सीख रहा है तो धीरे धीरे ना उसको उसके कोड्स पता चल रहे हैं साउंड्स पता चल रहे हैं ही इज़ लिसनिंग he may be you know appearing to do nothing kuch bhi nahi kar raha hai but the child is constantly picking uh, the codes of that language then when a child grows a little uh, older the child starts babbling thoda bolna shuru karta hai aur wo uski speech dheere 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 saaf hoti jati hai फिर जब हम बच्चे को school ले जाते हैं हम उसके हाथ में books दे देते हैं और वो बच्चा language के code को डोड uh, करने लग जाता है रीड करने लग जाता है उसके बाद में हम उसके हाथ में पेन pen, पेंसिल दे देते हैं है ना और बच्चा राइटिंग शुरू कर देता है अब जब हम एज अ मतलब रिसर्च ये बोलती है कि एज अप्स ऑल्सो एडल्ट लर्नर्स ऑल्सो इफ दे लर्न अ लैंग्वेज दिस वे दिस इज़ द नेचुरल और सबसे अच्छी ग्रास्पिंग और सबसे लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट होते हैं ऐसा नहीं कि हाँ मैंने तीन महीने सीखी थी तब तो मुझे आ रही थी स्पोकन uh, इंग्लिश की क्लास में तो मैं ठीक से बोल पा रहा था और हम लोग वहाँ पे बड़ा जीडी करते थे ग्रू और प्रजेंटेशन uh, होते थे तब तो होता था पर फिर वापस से रियल लाइफ सिचुएशन में हम जब आते हैं तब हम नहीं बोल पाते ऐसा तो ड्राइविंग के साथ भी होता है वैसे मेरे साथ तो हर बार ही होता है तो हमको क्या करना है हमको कॉन्शियस एफर्ट्स करने हैं हमको सारे वक्त लैंग्वेज अक्वायर करना इज़ नॉट ईजी पर एट द सेम टाइम इफ़ वी फ्रॉम ऑल डायरेक्शन इफ़ वी बॉम्बार्ड आ सैल्व्स यू नो विध दीज स्किल्स ये क्या है सब स्किल्स ऑफ लैंग्वेज है अगर हम लिसनिंग करें है ना हम ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर जाकर के कोई अच्छी सीरीज अपने लिए सर्च कर लें जो कि एज अप्रोप्रिएट हो हम सुने उसको हम एक एपिसोड देखें हम दूसरा एपिसोड देखें हम वापस से फर्स्ट एपिसोड देखें क्योंकि हमको समझ में ठीक से नहीं आइए बट हम उसको देखते चले हम ग्रेजुअली उसको समझने लग जाएंगे फिर आता है स्पीकिंग uh, स्पीकिंग मतलब आप एक लाइक माइंडेड ग्रुप लोगों का एक ग्रुप बना करके आप डिसाइड करिए ना लंच में इंग्लिश में ही बात करनी है डिनर टेबल पे घर पे इंग्लिश में ही बात करनी संडे को हम लंच टाइम के बाद में हिंदी बोलेंगे ही नहीं जो भी हम टैक्टिक्स यूज़ कर सकते हैं अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा बुलवाने के लिए देखिए आज मुझे ना फ्रेंच नहीं आती है लेकिन अगर मैं फ़्रेंच क्लास में जाऊँ और मैं वहाँ से आकर के लैंग्वेज यूज़ यूज ही नहीं करूँ और फिर अगले दिन फ्रेंच क्लास में चली जाऊँ और मैं सोचूँ कि आज एक दिन तो मुझे आई जाएगी फ्रेंच मुझे नहीं आएगी लैंग्वेज इज़ ऑल अबाउट यूजिंग ओके वैन यू यूज़ द लैंग्वेज यू लर्न इट वैन यू लर्न इट यू यूज़ ऑल द मोर और इस तरह से क्या होता है हमारा जो प्रोफिशेंसी लेवल है वो नियर नेटिव हो जाता है हमारा कमांड नियर नेटिव हो जाता है स्पीकिंग की बात हो गई अब रीडिंग की कि हमको उसमें रीड भी करना चाहिए तो रीड करने के लिए मैं आपको एक बात बताती हूँ लोग बोलते हैं मुझे रीडिंग अच्छी नहीं लगती बोरिंग लगती और उनको उनको एडवाइज़ करते हैं उनके ट्रेनर्स आप ना इंग्लिश का अखबार पढ़ना शुरू कर दो अब टाइम्स ऑफ इंडिया अचानक से पढ़ना शुरू कर दोगे कि उससे लैंग्वेज आ जाएगी तो आपको बिल्कुल ना तो उसमें मज़ा आने वाला है ना आपको कुछ समझ में आएगा और इट्स गोइंग टू बी वेरी बोरिंग आप है ना सिक्स क्लास सिक्स की या अपने लेवल के हिसाब से आप जो सी uh, की रीडर्स होती है ना आप वो खरीदिए तो आपको उसमें एक से एक इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ मिलेंगी आप उनको पढ़िए पीछे के क्वेश्चन आंसर्स चेक करिए कि आपको कितना समझ में आया है एंड आई थिंक दैट इज़ अ ब्रिलियंट वे बिकॉज़ वर्ल्ड की बेस्ट राइटर्स पोइट्स वहाँ पे होते हैं जिनके काम वहाँ होते हैं और आपको यू नो यू विल बी किलिंग टू बर्ड्स विथ वन स्टोन दिस इज़ एन ई इसका मतलब एक पंथ दो काज आप न सिर्फ अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव कर रहे होंगे वो भी स्टैंडर्ड लैंग्वेज बिल्कुल अच्छी लैंग्वेज उसमें आपको वर्ड मीनिंग्स भी मिल जाएंगे ठीक है आप वो भी कर रहे होंगे और प्लस आपको एक अच्छी कहानी भी आ जाएगी प्लस आप बोलेंगे अरे वाह मैंने तो शेक्सपियर का ये ये प्ले पढ़ लिया है है ना इजी लैंग्वेज में या मैंने ये पोम पढ़ ली है या मैंने डिकिन्स uh, की एक कहानी पढ़ ली है जो भी है है ना देन राइटिंग राइटिंग के लिए अब uh, हम आउट ऑफ द ब्लू मतलब हम क्या लिखना शुरू करें अगर हम अपनी वर्क प्लेस पर लिख रहे हैं कुछ ऑलरेडी इन इंग्लिश वेरी गुड और अगर नहीं तो हम एक डायरी मेंटेन करें जो भी करा है उसको इंग्लिश में उसको कौन चेक करने वाला है बट द पॉइंट इज यू आर यूजिंग द लैंग्वेज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सो when we, when i start this, you know, to give uh, inputs for improving spoken english, i'm going to do all of these things, you know, give small measures of this thing or that thing, some sub-skills, something, sometimes vocabulary, sometimes some tips in grammar, sometimes some ready-made sentences, because uh, that also, you know, helps a lot. Uh, you know, the uh, knowing some sentences, ki mujhe is situation, this uh, situation. कौन सा करेक्ट है या इस सेंटेंस को करेक्टली कैसे बोलूँ तो ये भी बुरी टेक्निक नहीं है काफ़ी अच्छी टेक्निक है सो यूजिंग ऑल ऑफ दिस वी आर गोइंग टू वर्क ऑन ऑन आर स्किल्स एंड आई एम श्योर दैट यू नो वील सी अ गुड चेंज अ पॉजिटिव चेंज इन आर एंड इन आर प्रोफिशंसी इंग्लिश लैंग्वेज ओके सो दिस इज ऑल आई अबाउट टूडे